So hello my dear students, so today I am going to discuss about numerical problems related to degree of association and degree of dissociation. आज के क्लास में इनमें हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और आज के बाद आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बच्चों इसका निकालने का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आई इक्वल टू अल्फा इक्वल टू, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। इस फॉर्मूला से हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल देंगे, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको क्या पढ़ाया था, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। बच्चों इसको भी हम अल्फा से डिनोट करते हैं और इसका निकालने का फॉर्मूला है आई माइनस वन अपॉन एन अपॉन वन अपॉन एन माइनस वन। बच्चे दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर क्या है, वन अपॉन एन है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में डाइमर दिया रहेगा तो आपको एन का वैल्यू टू लेना है, क्वेश्चन में अगर ट्राइमर होगा तो एन का वैल्यू थ्री होगा, टेट्रामर होगा तो एन का वैल्यू फोर होगा। ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको कन्फर्म है, फॉर्मूला को याद कर लीजिए और आज हम लोग इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर वन करता है बच्चों कि द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ The freezing point depression of 10 to the power minus 3 m solution of, बच्चों इस कंपाउंड को देखो, K4 KX FeCN whole 6 is 7.6 इंटू 10 to the power minus 3 k। ये बच्चों टेम्परेचर का यूनिट है, k फॉर वाटर इज 1.86। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x इफ इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। बच्चों जब कंप्लीटली डिसोसिएटेड हो तो आपको ध्यान रखना है कि अल्फा का वैल्यू क्या होगा, वन होगा। व्हेन द सॉल्यूशन इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, आपको ध्यान में रखना है अल्फा इज ऑलवेज इक्वल टू वन, ठीक है। ये आपको डाटा मिल गया। अच्छा हमको निकालना क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। बच्चों हमको इस एक्स का वैल्यू निकालना है क्या होगा, चलो ठीक है। हमको x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सॉल्ट है बच्चों, अगर इसको अगर हम तोड़ेंगे kx FeCN whole 6, अगर इसको डिसोसिएट करेंगे तो कैसे टूटेगा, एक्स के प्लस पोटेशियम पे प्लस चार्ज होता है, प्लस FeCN whole 6 क्या होगा बच्चों, यहां जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। यहां अगर हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकुलर बच्चों निकालेंगे तो क्या होगा, ये मान लो x है और ये 1 हो गया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल मीन्स n, इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, n से, n का वैल्यू क्या आ जाएगा आपको x प्लस 1, ठीक है। तो आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का बच्चों फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस वन। बच्चों हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अच्छा यहाँ पर आपको अल्फा पता है, अल्फा इज वन, एन का वैल्यू आपको पता है, क्या एन का वैल्यू होगा, एक्स प्लस वन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इज एक्स प्लस वन। अच्छा अगर हमको आई किसी तरह अगर पता हो जाए तो क्या हम बच्चों ये एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं। तो हमको पता करना है आई, आई के लिए आपको किस पॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा था, डेल्टा टी इज इक्वल टू
आर इंटू के एफ इंटू एम। बच्चों हम लोग इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग आई को यहाँ निकालेंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। तो चलो हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे हम आई निकालेंगे बच्चों? इस क्वेश्चन में आपको डेल्टा के दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, द फ्रीजिंग पॉइंट इक्वेशन का वैल्यू आपको पता है। बच्चों हमको डेल्टा के पता है 10^-3, ठीक है? नहीं, ये आपको किसका वैल्यू है, 10^-3। बच्चों हमको एम का वैल्यू पता है, मोलरिटी आपको दिया हुआ है 10^-3 एम। अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है डेल्टा टी एफ का वैल्यू, डेल्टा टी एफ का वैल्यू है 7.6×10^-3। के एफ का वैल्यू हमको पता है 1.86। तो अब हमको क्या करना है बच्चों, इन सारे वैल्यूज को इस फॉर्मूला में डाल देना है। तो अगर हम डालेंगे तो क्या होगा हमारा, इस फॉर्मूला में डेल्टा टी एफ के लिए हम क्या लिखेंगे, 7.6×10^-3 आई इंटू के एफ के जगह 1.86 और एम के जगह क्या लिखेंगे, 10^-3, ठीक है? तो हमारा आई का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से आई इक्वल टू 7.6×10^-3 अपॉन 1.86×10^-3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो अब ऐसा करते हैं, ये हो गया 7.6/1.86। बच्चों इसको हम मान लेते हैं 2, 7.6/2 राउंड फिगर में 2 से जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, लगभग अप्रॉक्स में ये 3.8 आ गया आई का वैल्यू। आई हमको पता हो गया, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा इक्वल टू, क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है, i-1/n-1। अल्फा हमको पता है 1 है, आई अभी आपने निकाला है कितना आ गया 3.8-1/n। एन का वैल्यू थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था, इस केस में एन का वैल्यू क्या होगा, x+1-1। बच्चों इसको आपको सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, x+1-1=2.8। देखो बच्चों क्या होगा यहाँ, x+1-1=2.8, 1 से 1 कैंसिल हो गया, x=2.8। अप्रॉक्स में बच्चों हम इसको क्या मान लेंगे, इसको 2.8 को क्या मान सकते हैं, 3 मान सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपका x का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, ठीक है? चलो बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ, पीटी, बच्चों ये प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है, पीटी NH3O4 CLX और Cl4-X, यहां बच्चों दिया हुआ है, इज इन वाटर, इज वाटर हैज ए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.0054°C, ठीक है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, इफ इट इज 100% डिसोसिएटेड, इफ इट इज 100% डिसोसिएटेड। बच्चों इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% है, इसमें हमको ये भी पता है कि फॉर वाटर इज 1.86। चलो बच्चों ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन से मैच कर रहा है। बच्चों इस क्वेश्चन में हमको सॉल्यूशन का मोलरिटी बताया है 0.001, इसको मैं लिख सकता हूँ 1×10^-3 एम,
ठीक है, इस सॉल्ट को अगर मैं डिसोसिएट करूंगा CpNH3O4ClX और Cl4- कैसे डिसोसिएट होगा तो बच्चों, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये टूटेगा, CpNH3O4ClX प्लस 4- XCl। बच्चों क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है और इस कॉम्प्लेक्स पर हमारा कौन चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि हमको यहाँ x का वैल्यू पता नहीं है तो कितना पॉजिटिव चार्ज होगा ये तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कितने पार्टिकल में डिसोसिएट कर गया क्या होगा, 4- X+1। चलिए आपको समझ में आ रहा है कैसे मैंने कैसे लिखा, जैसे NaCl अगर आप इसको तोड़ेंगे तो नीचे मैं बता रहा हूँ, NaCl अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो कैसे टूटेगा, Na+Cl-। बच्चे कितने पार्टिकल में डिसोसिएट हो गया, इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, 1+1 क्या हो गया 2, सिमिलरली इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 4-X, तो 4-X+1, ये हमारा n का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब हमको क्या फॉर्मूला लगाना है, ये फ्रीजिंग पॉइंट का, चलो फ्रीजिंग पॉइंट का लगाते हैं, डेल्टा TA=R×K×M, हमको डेल्टा TN पता है कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 0.0054, आई आपको निकाल लेना है, केफ हमको पता है 1.86, एम का वैल्यू पता है 10^-6, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 0.0054 अपॉन 1.86 इंटू 10^-6। क्या बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ 5.4 × 10^-3, 1.86 × 10^-3, इससे ये कैंसिल हो गया। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, 5.4 अपॉन, बच्चों इसको राउंड फिगर में 2 मान लीजिए, 2 से इसको काट दीजिए, 2.7 आपको आ जाएगा, ये किसका वैल्यू आ गया, आई का वैल्यू आ गया। अच्छा आपको निकालना है एक्स, तो आप सिर्फ फॉर्मूला लगा दो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, अल्फा इक्वल टू क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या फॉर्मूला है, अल्फा इक्वल टू I-1 अपॉन N-1, तो यहाँ तो अल्फा 1 हो गया, तो हम लिख सकते हैं I-1 = N-1, N 1 से 1 कैंसिल, देयरफॉर I = N, N का वैल्यू बच्चों को क्या लेना है 4-X+1, तो इसको अगर सॉल्व करें I का वैल्यू हमको पता है, I का वैल्यू आ गया 2.7, तो 2.7 = 4 और 1 क्या हो गया 5-X, and therefore X = 5-2.7, that is 2.3। बच्चों यहाँ अप्रॉक्स में X का वैल्यू आपको आ जाएगा 2, क्या आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा बच्चों, ये दोनों क्वेश्चन आपका था किससे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरह हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।